नमस्कार, दिव्य योग आश्रम की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम जानेंगे अंक शास्त्र के बारे में, यानी न्यूमरोलॉजी के बारे में, और जानेंगे कि जिनका जन्म किसी भी महीने की 9 तारीख, 18 तारीख और 27 तारीख को हुआ है तो उनका स्वभाव कैसा होगा, उनकी योग्यता, उनकी शिक्षा, उनका वैवाहिक जीवन, उनका स्वास्थ्य कैसा होगा, इस बारे में जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन इसके पहले मैं आशा करता हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे आध्यात्मिक परिवार में अवश्य शामिल हो जाएं। आपको सिर्फ इतना करना है कि नीचे दिया गया लाल कलर में सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर दें, जो कि बिल्कुल फ्री है। इससे हमारे दिव्य योग आश्रम के नए वीडियो आपको तुरंत प्राप्त हो जाएंगे। आज हम जानेंगे कि जिनका जन्म 9 तारीख, 18 तारीख और 27 तारीख को हुआ है, यानी जिनका मूलांक 9 है, ऐसे व्यक्तियों के बारे में। अंक शास्त्र यानी न्यूमरोलॉजी में मूलांक 9 का स्वामी मंगल माना जाता है, इसलिए मूलांक 9 के व्यक्तियों पर मंगल का विशेष प्रभाव होता है। यदि किसी का जन्म किसी भी महीने की 9 तारीख, 18 तारीख और 27 तारीख को हुआ है तो उनका मूलांक 9 होगा, यानी उनका पूरा जीवन 9 अंक से किसी न किसी रूप से प्रभावित होता रहेगा। मूलांक 9 वाले व्यक्ति बहुत ही परिश्रमी तथा क्रोधित स्वभाव वाले माने जाते हैं। ये लोग मस्त मौला स्वभाव के माने जाते हैं। मंगल उत्साह और ऊर्जा का कारक माना जाता है, इसलिए व्यक्ति उत्साही, ऊर्जावान एवं चंचल तथा गर्म स्वभाव के माने जाते हैं। ये शारीरिक रूप से मजबूत होते हैं, इनको हंसी मजाक करना पसंद होता है। ये लोग अपने मित्रों में ज़्यादा लोकप्रिय होते हैं। इनके स्वभाव में तेजी रहती है तथा फुर्ती एवं जल्दबाजी से कार्य करते हैं। इनकी यही कोशिश रहती है कि जो भी कार्य हाथ में लें वो शीघ्र समाप्त हो जाए। खुशामद एवं चापलूसी से प्रभावित होकर कभी कभी ये अपना नुकसान कर बैठते हैं। ये अपनी हर तरह की समस्याओं का समाधान स्वयं ही ढूंढने की कोशिश करते हैं। ये हर तरह की परिस्थिति से निपटने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। ये सिद्धांतवादी तथा अनुशासन प्रिय माने जाते हैं। इनका शुरुआती जीवन काल संघर्ष से भरा होता है, इसलिए ये संघर्ष को ही मूल मंत्र अपनाकर अपने क्षेत्र में विजय प्राप्त करते रहते हैं। ये विरोध को सहन नहीं कर पाते। ये लोग खेल कूद, स्पोर्ट्स, सेना, डिफेंस, पुलिस सेवा, IAS, IPS सर्विस में भी अच्छा प्रदर्शन करते देखे गए हैं। ये साहसिक और मजबूत इच्छा शक्ति के दम पर सफलता हासिल करते हैं। इनके ही क्षेत्र के लोग इनके रास्ते में रुकावट बनते हैं। ये लोगों को बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि घर में या घर के बाहर कहीं भी झगड़े, झंझट, वाद विवाद होने की संभावना प्रबल बनी रहती है। ये अपने मान सम्मान का हमेशा ध्यान रखते हैं। ये अपने कार्य को चैलेंज समझकर ही आगे बढ़ते हैं। इनके जीवन में दुर्घटनाएं होती रहती हैं, इसलिए इनको सावधान रहना चाहिए। अगर हम इनके कार्य की बात करें तो ये व्यक्ति टेक्निकल क्षेत्र में बहुत ही अच्छा कार्य करते हैं। ऐसे लोग प्रायः इंजीनियर तथा डॉक्टर के क्षेत्र में, मेडिकल क्षेत्र में अपना नाम कमाते हैं। ये अग्नि या बिजली से संबंधित कामों में भी जुड़ सकते हैं। साहस तथा जोखिम भरे कामों में भी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। राजनीति, टूर्स एंड ट्रेवल्स, घुड़सवारी जैसे काम से भी जुड़ सकते हैं। अध्यापन के क्षेत्र में या ट्रेनिंग देने वाले कार्य में भी सफल होने के संकेत मिलते हैं। ये पुलिस डिपार्टमेंट, सरकारी क्षेत्र, डिफेंस में भी सफलता प्राप्त करते देखे गए हैं। अगर ये ध्यान दें तो व्यापार में भी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम इनकी आर्थिक स्थिति की बात करें तो ये आर्थिक दृष्टि से मजबूत देखे गए हैं। ये जमीन जायदाद के क्षेत्र में लाभ प्राप्त कर लेते हैं। इनको अपने परिवार से जो जमीन मिली होती है उनमें ये वृद्धि ही करते हैं। बीच बीच में इनके आर्थिक जीवन में परिवर्तन होते रहते हैं, थोड़ा सा उतार चढ़ाव आता रहता है। इनको ससुराल पक्ष से धन मिलने की संभावना बनी रहती है। इनको वाद विवाद, लड़ाई झगड़े वाली जमीन से भी धन प्राप्त हो जाता है। ये खर्च करने में कटौती कभी नहीं करते हैं। कभी कभी तो दिखावा करने के चक्कर में ये अपनी हैसियत से ज़्यादा खर्च कर देते हैं। अगर हम इनके पारिवारिक तथा वैवाहिक जीवन की बात करें तो इन लोगों के जीवन की शुरुआत कष्टों के साथ शुरू होती है। इनके शरीर में गिरने से चोट लगने की संभावना बनी रहती है। ये अपने परिवार तथा रिश्तेदारों को लाभ बहुत पहुंचाते हैं। भाई बहनों के साथ थोड़ा सा मनमुटाव होने के संकेत मिलते हैं। ये विपरीत लिंग यानी स्त्री या पुरुष के प्रति जल्दी ही आकर्षित हो जाते हैं। इनके प्रेम संबंध ज़्यादा समय तक नहीं टिकते। अहंकार के कारण संबंधों में दरार होते हुए देखा गया है। ज़्यादातर यह देखा गया है कि सुंदर स्त्री की तलाश में ये हमेशा लगे रहते हैं। अगर वह सुंदर स्त्री न मिले तो विवाह के बाद भी किसी दूसरी स्त्री से संबंध बनने की संभावना बनी रहती है। ये अपने जीवन में ऐसा जीवन साथी चाहते हैं जो उनके कहे के अनुसार ही चले। इस कारण इन्हें
दाम्पत्य जीवन की परेशानियां आती रहती हैं। इनको ज़्यादातर संतान की समस्या से परेशान देखा गया है। देखा जाए तो इनका वैवाहिक जीवन सामान्य बना रहता है। अगर स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य की दृष्टि से देखा जाए तो ये लोग सिर दर्द, चोट लगना, रक्त विकार, बुखार, पेट की समस्या आदि से परेशान रहते हैं। मंगल अग्नि का कारक है, अतः आपको जलने का खतरा भी बना रहता है और इस कारण इनकी त्वचा से संबंधित बीमारियां भी हो सकती हैं। इनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता की थोड़ी कमी होती है, इस कारण जब मौसम में परिवर्तन होता है तो कोई न कोई समस्या इनको आ जाती है। इनको चोट लगना तथा दुर्घटना की संभावना ज़्यादा से ज़्यादा बनी रहती है। अगर हम इनकी शिक्षा की बात करें तो ये बुद्धि में तेज होते हैं, इनकी तर्क करने की शक्ति प्रबल होती है, इस कारण ये पढ़ाई में हमेशा अच्छे रहते हैं। ये बुद्धि के दम पर जीवन में बहुत ही तरक्की करते हैं। आजकल इन्हें कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल से संबंधित क्षेत्र में भी सफलता प्राप्त करते हुए देखा गया है। आईटी क्षेत्र में भी ये लोग सफलता प्राप्त करते देखे गए हैं। ये उच्च स्तर की शिक्षा प्राप्त करने में भी सफल रहते हैं। प्रारंभिक शिक्षा थोड़ी इसी व्यवधान के साथ शुरू होती है, कई बार तो इनको शिक्षा बीच में ही छोड़नी पड़ जाती है। विज्ञान में इनकी रुचि ज़्यादा देखी गई है, कला के क्षेत्र में भी ये अपना अध्ययन पूरा कर लेते हैं। हमारी सलाह यह है कि क्रोध की वजह से आप अपना काम बिगाड़ देते हैं, इसलिए मन पर नियंत्रण रखें, अहंकार ना आने दें, नहीं तो मित्र को शत्रु बनते देर नहीं लगेगी। आप जोखिम कार्य करने में विश्वास रखते हैं, लेकिन इसकी वजह से आप कभी कभी बड़ी बड़ी मुसीबत में भी पड़ सकते हैं। सावधान होकर रोड पर चलें, यानी गाड़ी चलाएं, नहीं तो दुर्घटना की संभावना बनी रहती है। महामृत्युंजय जप करें या महामृत्युंजय की साधना करें, जिससे चोट या दुर्घटना से आप बचे रहें, सुरक्षा प्राप्त होती रहे। शत्रु के प्रति लापरवाह कभी न बने। धन कमाने के लिए किसी भी सीमा तक आप जा सकते हैं, इसलिए सावधान रहें। हनुमान जी की उपासना करनी चाहिए, मंगल का मंत्र जाप करें, तेल वाले भोजन से जो ज़्यादा चर्बी बढ़ाते हैं इस तरह के भोजन से दूर रहें। आपकी शुभ दिशा दक्षिण है तथा शुभ धातु सोना माना जाता है। आपके लिए धूम्रपान, शराब पीना दुर्घटना को अपनी तरफ बुलाना माना जाता है। आपको आध्यात्मिक क्षेत्र में दान अवश्य करना चाहिए, नहीं तो संतान संबंधी समस्या आती रहेगी। आपके लिए 6 मूलांक वाले व्यक्ति आपके सच्चे मित्र साबित हो सकते हैं। मूलांक 4 वालों से आपको सावधान रहना चाहिए। आपके लिए रविवार, मंगलवार, सोमवार तथा गुरुवार शुभ माने जाते हैं। नियमित योग, ध्यान, प्राणायाम अवश्य करें। आशा है ये बातें आपके कार्य को सफल बनाएंगी। इसके अलावा लोगों में आध्यात्मिक ज्ञान के प्रति जागरूक करने के लिए हमारी संस्था दिव्य योग आश्रम अलग अलग शहरों में 2 दिन का कुंडलिनी ध्यान शिविर आयोजित कर रही है। इसमें भाग लेना बिल्कुल फ्री है, एकदम निःशुल्क है। इसलिए अगर आप अपने शहर में सीखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जहां पर आप अपने शहर में सीखने के लिए बुकिंग कर सकते हैं। इसके अलावा जो चैरिटेबल ट्रस्ट संस्था या योगा केंद्र चला रहे हैं, वे भी अपने ग्रुप में निःशुल्क कुंडलिनी ध्यान का आयोजन करवा सकते हैं। आप अपने जीवन में तरक्की करें, इसी शुभकामना के साथ धन्यवाद।